बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में मुस्लिम लड़के के मोबाइल से चला गया हिंदू लड़की के पास अश्लील मैसेज, जिसके बाद हिंदू लड़की के परिवार ने लिखवा दिया अपने घर पर ये घर बिकाऊ है, घर छोड़कर जाने लगा हिंदू परिवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाया और की कार्यवाही। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के चांदपुर में उस समय बड़ा हंगामा हो गया, जब एक मुस्लिम लड़के के फोन से हिंदू लड़की को अश्लील मैसेज पहुंच गया, जिसके बाद लड़की के भाई ने भी मुस्लिम लड़के को भेजी अश्लील ऑडियो, जो सोशल मीडिया पर तेजी से हो गई वायरल, जिसके बाद पुलिस ने की निष्पक्ष कार्यवाही और दोनों के ऊपर की FIR दर्ज। बता दें कि लड़की के परिवार का आरोप है कि मुस्लिम लड़के ने उनकी लड़की के साथ की इंस्टाग्राम पर छेड़छाड़। लड़की के परिवार का कहना है, आरोपी मुस्लिम लड़के के दोस्तों ने लड़की के भाई की पिटाई भी की, जिसके बाद लड़की के परिवार ने अपने घर पर लिखवाया ये घर बिकाऊ है और किया बड़ा हंगामा। जब मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जांच की तो दोनों ही तरफ की गलती निकली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्ष के ऊपर की FIR दर्ज। हमारी अपने सभी दर्शकों से अपील है, अपने फोन बच्चों के हाथ में ना दें, क्योंकि बच्चों से भी चला जाता है गलती से मैसेज, जिस बात से हो जाता है बड़ा झगड़ा। और सभी लोग खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि एक मैसेज के ऊपर ये जो मामला हुआ है हर एक व्यक्ति देख पाए। मैंने इनसे दिन में एक बात की थी कि आप फोन दे दो उस लड़की के लड़के की, दिन में इन्होंने मेरे से कही कि वो मैंने फोन दोनों उसमें भेजूंगा चेकिंग करने। ठीक है, अभी अनिल पांडे के घर पे इन्होंने लड़की की माँ को और लड़के को बुलाया और दबाव डालकर उससे कहा लड़की से कि तू यो क्या इसकी माँ से कि यो सुनिए क्यों गए उनके यहाँ, उनके यहाँ कौन सी कोर्ट लड़की है। थाना चांदपुर के सरायरथी मोहल्ले का मामला है। दिनांक 19/8/24 को एक समुदाय के लड़के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़की के मोबाइल पर अश्लील आपत्तिजनक चैटिंग एवं मैसेज प्रेषित किया गया, जिससे आहत होकर के लड़की के भाई के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़के के मोबाइल पर एक आपत्तिजनक ऑडियो प्रेषित की गई, जो वायरल हो गई, जिसके आधार पर थाना चांदपुर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें विधिक कार्रवाई की गई। दूसरे पक्ष की लड़की जिस पर अश्लील मैसेज जिसके मोबाइल पर प्रेषित किया गया था, उसकी तहरीर पर भी थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इससे आहत होकर एक समुदाय के लोगों द्वारा अपने मकान पर मकान बिकाऊ लिखा दिया गया था, जिसे समझा बुझा करके इसे हटवा दिया गया है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर शांति बनी हुई है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई